Hi everyone, today we have discussed about to be the cultural contributions during the reign of the Akbar. Akbar के समय में इनका cultural contribution कैसा था? इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने दीन इलाही जो एक नई सी रिलीजन उनके द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कस किया था। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आपका कल्चरल कंट्रीब्यूशन का। तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन में आपकी आर्किटेक्चर वगैरह आती है, पेंटिंग्स वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं आर्किटेक्चर में। आखिर ये आर्किटेक्चर क्या था, कैसे उनके द्वारा बनाया गया था? कहते कि अकबर सराय सॉ अ फ्यूजन ऑफ द पर्सियन, सेंट्रल अरबियन एंड टू बी द रीजनल लाइफस्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। कहते कि उस समय में आर्किटेक्चर जो अकबर के राज में बनाया गया था ना, ये लगभग सबका मिला हुआ। फ्यूजन का मतलब ये होता है मिला हो जाना, मतलब सबका मिला हुआ, जिसमें आपका पर्सियन हुआ करता था, सेंट्रल हुआ करता था, एशियन हुआ करता था, और जो एक तरह से रीजनल स्टाइल हुआ करता था उस समय में, वो सभी के सभी आर्किटेक्चर्स के अंदर में आया करते थे। नाउ दिस गेव द बर्थ टू बी द न्यू स्टाइल। इससे क्या हुआ कि जब आपका पर्सियन मिला, पर्सियन के बाद में अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल आर्किटेक्चर का जो भी स्टाइल वगैरह था उस समय में, वो इसके अंदर में इन हुआ। सेंट्रल एशियन जो भी था, सेंट्रल एशियन का जो स्टाइल था वो आपका इसमें इंक्लूड हुआ। इसके बाद में अगर हम लोगों ने देखा तो एक और था, वो था आपका रीजनल स्टाइल। तो जो रीजनल स्टाइल वगैरह थी ना, ये सारे के सारे स्टाइल्स वगैरह मिलने के बाद में क्या होता है, तो एक तरह से ना अलग सा ही, एक अलग सा ही आपका वहां पर में रिलीजन जो है, ये आर्किटेक्चर जो है ना, वो एक तरह से फॉर्म होके वहां से निकल के बाहर आते हैं। एंड दैट वाज टू बी द न्यू स्टाइल। इसी को एक तरह से ना उस समय में न्यू स्टाइल कहा गया था। एंड दिस स्टाइल वॉज द बेस्ट विजुअल इनटू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द फतेहपुर सिकरी। अगर आपको ये स्टाइल देखनी हो ना, ये सभी की सभी चीजों को मिला करके, तो आप सबसे पहले कहां चले जा सकते हो, तो अगर हम लोग फतेहपुर सिकरी की बात करें, कहां की बात करते हैं, फतेहपुर सिकरी की बात करते हैं, तो अगर फतेहपुर सिकरी में जाओगे तो वहां पर में जाने के बाद में वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, उसमें सभी के सभी ये न्यू स्टाइल वगैरह जो है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। द कैपिटल दैट द अकबर बिल्ट नियर द आगरा। ये क्या था फतेहपुर सिकरी, ये एक तरह से कैपिटल थी उस समय में, न्यू कैपिटल जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया था। कहां पर में, तो नियर आगरा, मतलब आगरा के नजदीक में। नाउ द बिल्डिंग्स हियर आर इन द रेड सैंडस्टोन। कहते हैं यहां जो बिल्डिंग बनाई गई थी ना, वो रेड सैंडस्टोन का बिल्डिंग बना था। पहले खास करके रेड सैंडस्टोन का बिल्डिंग ही बहुत सारे सब बनते थे, बाद में जाकर के आपका व्हाइट मार्बल जो होता है ना, उसका यूज होने लगा था। तो ये बिल्डिंग वहां जो बने थे वो सब रेड सैंडस्टोन के हुआ करते थे। एंड द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो दैट वॉज हॉवर्ड इन द व्हाइट मार्बल। ये जो बना हुआ था वो आपका टॉम्ब ऑफ द शेख सलीम चिश्ती का, ये आपका ना व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, व्हाइट मार्बल से यह चीज बना था। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे फतेहपुर सिकरी की बात करते हैं, तो जो बिल्डिंगें अगर बनी थी उस समय में, वो आपका रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। इसके बाद में और अगर आर्किटेक्चर में हम लोग आते हैं, तो स्टाइल आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रिवेलेंटेड इन द राजस्थान गुजरात इज एविडेंटेड टू बी द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द फतेहपुर सिकरी। कहते कि ये अगर आप राजस्थान जाते हो, गुजरात जाते हो ना, तो ऐसे ऐसे जगहों में बहुत सारे ऐसे एविडेंट वगैरह आपको मिलेगा, जो खास करके ना डिफरेंट स्ट्रक्चर जो फतेहपुर सिकरी में बना हुआ था ना, उससे कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे जगहों में ना वो सब बनाए गए थे। अकबर्स बिल लॉट्स ऑफ द अदर मॉन्यूमेंट्स। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे ना, जो अकबर के द्वारा उस समय में ना खास करके बनाया गया था। एंड द इफ वी टॉक हियर अबाउट टू बी द आगरा फोर्ट, अगर हम लोग ना रेड फोर्ट की बात जो भी है हम लोग करेंगे ही, लेकिन अगर हम लोग आगरा फोर्ट की बात करते हैं ना, इट इज इंप्रेसिव स्ट्रक्चर। ये जो आगरा फोर्ट बनाया गया था, ये भी एक तरह से इंप्रेसिव स्ट्रक्चर माना गया था उस समय में। एंड विद इन इट इज टू बी द ब्यूटीफुल द जहांगीरी मंदिर, महल, ये महल। और इसी के अंदर में ना एक चीज, जब आप जाओगे घूमने के लिए ना, तो वहां पर में आपको जहांगीरी ना महल भी देखने को मिलेगा वहां पर में, जो ब्यूटीफुली उसको सजाया गया है, मतलब उसी के अंदर में बना हुआ था, भी बना हुआ है। एंड द टॉम्ब ऑफ, अगर हम लोग हुमायूं की बात करते हैं ना, जो कि खास करके कहां पे बना हुआ था, तो ये टॉम्ब ऑफ हुमायूं आपका दिल्ली में बना हुआ है। जब भी जाना घूमने के लिए वहां पे, तो ये आपको जरूर वहां पर देखने को मिलेगा। ये जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है ना दिल्ली में, सो इज बिल्ट ऑन अ राइस प्लेटफॉर्म। ये एक तरह से ना राइस प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है थोड़ा सा और ऊपर में इस चीज को बनाया गया था उस समय में, खास करके इसके भी बहुत सारे मकसद हुआ करते थे। एंड द प्लेस इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, और एक तरह से ना वो
प्लेस किए थे, रखे गए थे कहां पे, तो जो सेंट्रल ऑफ द गार्डन था ठीक गार्डन के बीच में ना उसको बनाया गया था। इट इज बिल्ड द लार्ज इन द रेड सैंडस्टोन, और इसको ना एक तरह से लार्जली बनाया गया था, एक तरह से रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था। एंड हैज अ डबल डोम ऑफ द व्हाइट मार्बल, और ठीक इसके ऊपर में जब आप देखोगे ना तो जो डोम बनाई गई ना वो डबल मार्बल का बनाया गया है। द टॉम हैज बोथ द इंडियन एंड टू बी द पर्सियन आर्किटेक्चरल फ्यूचर्स। और अगर हम लोग इस टॉम की बात करते हैं तो इसमें आपका इंडियंस लेकर के और जो पर्सियन आर्किटेक्चरल फीचर्स वगैरह थे, स्टाइल वगैरह थे, ये सारे के सारे स्टाइल्स वगैरह को इसमें यूज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग आएंगे पढ़ने के लिए, दैट इज द पेंटिंग। अगर हम लोग पेंटिंग की बात करें तो बेसिकली ऑन दैट टाइम वी नो दैट वेरी वेल हियर, अकबर पेट्रोनाइज द पेंटर्स एंड द कैलीग्राफी। कहते हैं कि अकबर ने क्या क्या था, तो बहुत सारे पेंटर्स को, कैलीग्राफर्स को ना एक तरह से पेट्रोनाइज किया था। अब कैलीग्राफर का मतलब क्या है कि द आर्ट ऑफ द हैंडराइटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, आर्ट की तरह वो लोग करते थे, कला था उनके पास में। तो ऐसे ऐसे पेंटर को, कैलीग्राफर को इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से पेट्रोनाइज किया था, आगे बढ़ाया था, इस सब चीज के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था अकबर ने। सो ही एस्टैब्लिश्ड द मेनी रॉयल कारखानाज, जिसको हम लोग एक तरह से वर्कशॉप के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारे रॉयल कारखानाज वगैरह भी उस समय एस्टैब्लिश की गई थी। एंड दिस वेयर द वर्कशॉप इन विच द मेनी पेंटर्स, ये एक तरह से ना ऐसा वर्कशॉप हुआ करते थे जहां पर बहुत सारे पेंटर्स वगैरह वर्क किया करते थे। नाउ अकॉर्डिंग टू बी द कंटेम्पररी, अगर हम लोग समकालीन उस समय की बात करते हैं ना, तो उस सोर्स की अगर बात करते हैं ना, तो अकबर एम्प्लॉयड ओवर 100 पेंटर्स, कहते हैं कि लगभग 100 से भी ज्यादा पेंटर्स वगैरह को ना उन्होंने क्या क्या उस समय वर्क दिए थे, एक तरह से एम्प्लॉयड में रखे थे। एंड अगर हम लोग पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग्स हैड द वैरायड थीम्स, और जो पेंटिंग हुआ करता था ना, थीम्स इनके अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। अ मेजॉरिटी ऑफ देम टू बी द डिपिकेट टू बी द सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द अकबर, कहते हैं कि ना उस समय में बहुत सारे ऐसे सीन देखा गया जिसमें कि आपका लाइफ ऑफ अकबर से रिलेटेड था। एंड द और दूसरी अगर हम लोग पॉइंट इसी में अगर हम लाइफ ऑफ अकबर की तो बात हम लोग ने कर ही दिया। एंड दैट ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ एंड द हंटिंग, और फिर रॉयल कोर्ट के बारे में था, राजदरबार जो हुआ करता था ना उसके बारे में हुआ करता था सीन वगैरह, और जो हंटिंग करते हुए जो सीन होते थे ना वो सारे के सारे सीन वगैरह उसमें में ये पेंटिंग के द्वारा लोग क्या करते थे तो बनाते थे और मतलब शो क्या करते थे दिखाते थे। सम पेंटिंग्स वेयर द बेस्ट, और कुछ उसमें से ऐसे पेंटिंग्स वगैरह भी थे जो बेस्ड ऑन द इंडियन एंड द पर्सियन, अगर हम लोग कहते हैं ना तो वो आपके इंडियन और पर्सियन स्टोरीज एंड लीजेंड के ऊपर में बनाया गया था। बहुत सारे ऐसे मतलब पेंटिंगों में से कुछ पेंटिंग ऐसे भी थे जो इंडियन से लेकर के और पर्सियन के जो स्टोरीज या लीजेंड हुआ करता था ना उसके ऊपर में ये बनाया गया था। ये सारे सीन तो था ही, लेकिन इसके साथ में कहा गया कि पेंटर्स ऑल्सो डेकोरेटेड बुक्स विद द ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग, कहते हैं कि उस समय में जो पेंटर हुआ करते थे ना ये लोग बुक्स वगैरह को भी ना एक तरह से डेकोरेटेड करते थे, वैसे ही डेकोरेटेड करते थे, बहुत अच्छे अच्छे उसमें पेंटिंग क्या करते थे बुक्स में, जिसमें आपका ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग कहा गया था। और उस समय में अगर हम लोग बात करें ना तो एक तरह से हम लोग जानते हैं कि ये नाम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है जसवंत का, और इसके बाद में आपका ये नाम होता था दसवंत। ये नाम जो था ना मतलब जसवंत के बारे में और दसवंत के बारे में, तो ये दोनों के बारे में कहा जाता था कि दे वेयर द फेमस पेंटर्स ऑफ दिस पीरियड, और इस पीरियड में ना ये दोनों ही जो थे ना वो आपका एक तरह से फेमस पेंटर माना जाता था, मतलब अच्छे पेंटर ये हुआ करते थे उस समय में अकबर के राज, मतलब जिस समय में राय थी उस समय में। नाउ इन 1567 अकबर ऑर्डर टू बी द प्रिपरेशन ऑफ द लैविशली द इलस्ट्रेटेड द मैनुस्क्रिप्ट फॉर द पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ द हुमायूं, ये हमजदनामा। कहते हैं कि उस समय में ना 1567 की ये बात है, 1567 में अकबर ने ऑर्डर दिया था, कितने में 1567 में अकबर ने क्या ऑर्डर दिया था, ध्यान से सुनने की बात है ये, टू प्रिपरेशन ऑफ द लैविशली, मतलब आराम से वो प्रिपरेशन करने के लिए जितने भी सारे मैनुस्क्रिप्ट वगैरह होते थे ना जो इलस्ट्रेट किए जाते थे फॉर द पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ द हमजानामा से लेकर के, हमजानामा को एक तरह से ट्रांसलेटेड मतलब किया गया था, और इट हैड ओवर थाउजेंड्स द पेजेस, एक बुक था ये हमजानामा
जिसमें लगभग कहा गया है कि आपके 1000 से भी ज्यादा बुक्स हुआ ये पेजेज हुआ करते थे एंड ऑल द ब्यूटीफुली द इलस्ट्रेटेड, और उस बुक को ना एक तरह से ब्यूटीफुल इलस्ट्रेट किया गया था, पेंटिंग्स वगैरह करके अच्छे अच्छे पिक्चर्स बना करके ना उसको एक तरह से सजाया गया था। किसको? जो हमजा नामा बोल के उस समय में बुक्स निकाली गई थी, ट्रांसलेट की गई थी उसको। एंड फिर इसके बाद में और बहुत सारे बुक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जिसमें आपका बाबरनामा का भी नाम आता है, इसके बाद में आपका अकबरनामा का भी नाम आता है, इसके बाद में आपका तूतीनामा का भी नाम आता है। ये सारे के सारे बुक्स वगैरह जो थे ना वो आपके इलस्ट्रेट किए गए थे। तो 3-4 बुक्स का नाम हम लोग ने पढ़ा भी, आपका सबसे पहले हमजानामा, और हमजानामा के बाद में हम लोग आते हैं सेकेंड जो था वो आपका बाबरनामा, बाबरनामा के बाद में आते हैं तो अकबरनामा, और अकबरनामा के बाद में आते हैं तो ये आपका तूतीनामा। ये 4-5 बुक्स के बारे में आपको वहां पर में दिया गया था कि कैसे पेंटर्स वगैरह ये सारे बुक्स को ना इलस्ट्रेट किया करते थे। यहां तक हम लोग ने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग का रिकॉर्ड ये रिलेटेड टू द लिटरेचर से। ओके, वी नो दैट अकबर इनकरेज द पर्शियन लिटरेचर। हम लोग ये जानते थे कि अकबर जो थे ना वो पर्शियन लिटरेचर को एक तरह से इनकरेज करते थे एंड ही हैड द रामायण एंड द महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू बी द पर्शियन। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था, रामायण और महाभारत को भी एक तरह से पर्शियन में ट्रांसलेटेड किए थे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं ना तो बुक्स इन अरेबिक, जो खास करके बुक्स हुआ करता था अरेबिक और तुर्किस का, दे वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड, ये सब भी ट्रांसलेटेड किए गए थे इनटू पर्शियन से। सो मेनी ओरिजिनल बुक्स वेयर, बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल बुक्स वगैरह थे कंपोज इन द पर्शियन, जिसको पर्शियन में कंपोज किया गया था। इसके बाद में अगर हम लोग एक नाम देखें तो अबुल फजल का, किसका नाम, अबुल फजल का। तो अबुल फजल जो हुआ करते थे उस समय में, खास करके अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ही रोट द बायोग्राफी ऑफ द अकबर कॉल्ड द अकबरनामा। इन्होंने एक बायोग्राफी लिखा था अकबर के बारे में और वो बायोग्राफी का नाम क्या बनाया गया था, अकबरनामा। किसके द्वारा लिखा गया था ये, तो अबुल फजल के द्वारा। अ पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड द एन आई अकबरी, इसी में से एक पार्ट आपका निकाला गया है जिसको एन आई अकबरी के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही वो फेमस पार्ट है। नाउ अकबर आल्सो पैट्रोनाइज, कहते कि इन्होंने और बहुत सारे पैट्रोनाइज किए थे हिंदी पोएट्स को, जितने भी सारे हिंदी में लिखने वाले पोएट्स वगैरह होते थे ना उनको भी। हिज राइन सो, इनके राइन के समय में, शासन के समय में एक चीज देखा गया कि ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द हिंदी लिटरेचर, और उस समय में हिंदी लिटरेचर जो था ना बहुत ही आपका ट्रेमेंडस एक तरह से बहुत आगे बढ़ा था। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय में राइटर में आपका वल्लभाचार्य, केशवदासा, तुलसीदासा, सूरदासा, ये सारे के सारे जो थे ना सम फेमस हिंदी पोएट्स ऑफ दिस टाइम, ये उसके समय में अकबर के समय में ना ये राइन में ना ये लोग हुआ करते थे। एंड अगर हम लोग तुलसीदास की बात करें तो बेसिकली हीरो द रामचरितमानस, अगर हम लोग रामचरितमानस की बात करते हैं ना तो ये आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। इसी में अगर हम लोग आगे आए तो सूर सागर, इट वॉज रिटन बाय द सूरदास, एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रेम वाटिका एंड इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय द रश खान, एंड द नेक्स्ट वन वाज द सतसाई विच वॉज रिटन बाय द बिहारी। ये सारे के सारे वहां पर में दिए गए थे एंड दे वेयर सम पॉपुलर वर्क्स कंपोजिंग हिंदी। ये सारे के सारे वर्क्स जो था ना वो एक तरह से कंपोज किया गया था किसमें, तो हिंदी में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम लोग, ये आपका अबाउट टू बी द म्यूजिक ड्यूरिंग द राइन ऑफ द अकबर, म्यूजिक का क्या सिस्टम था उस समय में नहीं था, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट टू बी द म्यूजिक, अब हम लोग आते हैं म्यूजिक से के बारे में समझने के लिए, आखिर वो क्या था नहीं था राइन ऑफ द अकबर में। तो म्यूजिक फ्लोरिस अंडर द एम्पायर अकबर, कहते हैं कि एम्पायर अकबर के समय में म्यूजिक को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, इसको और ज्यादा से फ्लोरिस की गई थी। अबुल फजल्स नेम, अबुल फजल के अगर हम लोग बुक्स वगैरह में देखते तो उसमें नाम लिखा गया कि लगभग 36 म्यूजिशियंस हुआ करता था उस समय में। कितने हुआ करते थे, 36 के आसपास में म्यूजिशियंस वगैरह उस समय में, मतलब अकबर के दरबार में उस समय में हुआ करते थे। और सम ऑफ द होम द वेयर द वुमेन, जिसमें से कुछ औरतें वगैरह भी हुआ करती थी, ये नहीं था कि सिर्फ जेंट्स हुआ करते थे, मैन ही हुआ करते थे, बल्कि उस समय में वुमेन्स वगैरह भी कुछ ऐसे थी जो कि एक तरह से म्यूजिशियंस की काम करती थी एंड हु प्लेड द म्यूजिक इन द कोर्ट ऑफ द अकबर, और अकबर के कोर्ट में ना ये लोग एक तरह से म्यूजिक प्ले किया करते थे। अगर इसमें से हम लोग द मोस्ट फेमस ऑफ द म्यूजिशियंस की बात करें तो दैट वॉज द मियां तानसेन। इसकी बात करते हैं हम लोग,
मियां तानसेन के बारे में, कहते कि मियां तानसेन जब कभी भी अपना म्यूजिशियन म्यूजिक वगैरह करते थे ना, गाते थे ना, तो ओपनली करते थे जो जगह खाली हुआ करता था। और कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि जितने सारे पशु पक्षी वगैरह सब भी थे ना, उनकी मतलब उस संगीत को, उसकी म्यूजिक को सुनने के लिए ना सब एकत्र हो जाया करते थे, ऐसा माना जाता है। तो फेमस अगर हम लोग बात करें म्यूजिशियंस में, तो आपका सबसे पहले मियां तानसेन की नाम आता है, जो कि अकबर्स के कोर्ट में ये भी म्यूजिक प्ले किया करते थे। नाउ ही कंपोज्ड मेनी न्यू रागास, कहते कि उस समय में इन्होंने बहुत सारे रागास वगैरह को कंपोज किया था। इनमें से अगर हम लोग मोस्ट पॉपुलर अगर हम लोग बात करें ना, तो दिस वॉज द रागा दरबारी एंड द रागा दीपक, इनकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जब समय मिलेगा, फुर्सत में हम लोग रहेंगे, तो अच्छे से इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। रागा दरबारी और रागा दीपक, ये आपके उस समय में बहुत ही फेमस रागा के नाम से जाना जाता था। एंड इट इज सेड दैट एवरी इवनिंग, कहते कि ये कहा जाता है कि हर एक इवनिंग मतलब शाम के वक्त में मियां तानसेन सैट इन हिज सीट ऑन द मिडिल ऑफ द एक मतलब अनूप तालाब बोल के था जगह, वहां पर मैंने ठीक उसके मिडिल में जाकर वो बैठते थे, अनूप तालाब के मिडिल में जाकर के बैठते थे, और वो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ था, और वहीं पे अपना रागास वगैरह जो था ना वो सिंग किया करते थे। मन हर इवनिंग, हर एक इवनिंग को अनूप तालाब के ठीक मिडिल में जाकर वो बैठते थे, और वहां पर मैं अपना जो सिंग होता था ना, गाना वगैरह जो होती थी ना, वो वहां पर मैं सिंग किया करते, सॉन्ग वगैरह जो था वो भी अपना सिंग किया करते थे वहां पर मैं। ये सारा का सारा चीज उन्होंने मतलब किया था। वो कहां था? तो फतेहपुर सीकरी में। नो, अकबर डाइड इन द 1605। अगर हम लोग अब लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जहां पर में अकबर जो थे ना वो एक तरह से डाइड करते हैं, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लास्ट पॉइंट, तो ये अकबर का था कि ही वॉज डाइड इन द 1605, और ये 1605 में आकर के अकबर जो थे वो डाइड कर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। इनके बाद में कहा कि ही वाज एन एम्पायर बिल्डर, इनको एक तरह से एम्पायर बिल्डर कहा गया था, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा गया था, एंड अ काइंड रूलर भी कहा गया था। तो इस तरह से मतलब एक तरह से ये पर्सन हुआ करते थे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेसन। ओके, दैट्स ऑल।